ये सूट कैसा लग रहा है? मुझे इन सब की तमीज तो नहीं है, पर ठीक ही दिख रहा है। सिर्फ ठीक? अब तुम्हें अच्छा लग रहा तो अच्छा ही होगा। नहीं ठीक है, चलो कह देता हूं अच्छा है। अच्छा तो मुझे तब लगेगा जब तुम इसे पहनोगे। मैं? हाँ, और कौन, मैं तुम्हारे लिए तो लाई हूं। लो। मेरा देखो, मुझे इन सब की तमीज नहीं है, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे तन के कपड़ों से ज्यादा मन की भावनाएं अहमियत रखती हैं, और ये फितरत आप में नहीं है, नहीं। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप ये सूट पहन के दिखाएं, क्योंकि मैं आपको देखना चाहती हूं। लगता है मेरे चेहरे का नूर कुछ खत्म हो रहा है, इसलिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है। ये पहनने के बाद तुम अपना नूर देखना एकनाथ, अच्छे अच्छे तुम्हारे सामने बेनूर नजर आएंगे। मैडम, मैं इस तरह के किसी कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे लिए जिंदगी की राहें फैशन शो का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ऊंचे लक्ष्य हासिल करने के रास्ते हैं। तो मैं भी तो तुम्हारा एक ऊंचा लक्ष्य हूं एकनाथ, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, प्लीज पहन लो ना। मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ लाई हूं, परफ्यूम, गॉगल्स, ब्रेसलेट वगैरह वगैरह। ये सब क्यों? क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम ये सब इस्तेमाल करो और फिर तुम अपने आप में फर्क देखना। मेरा, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मुझे अपने अंदर कोई फर्क नहीं लाना है। आपने अपना केस मेरे हवाले कर दिया है, इसलिए अब आपको मेरी खुशी के मुताबिक चलना पड़ेगा। पहन लिया एकनाथ? पहन लिया, मगर अब वो एकनाथ नहीं रहा। तो जो कोई भी है प्लीज बाहर आके दिखाए। अंदर एकनाथ गया था, बाहर कोई और आ रहा है। आओ तो सही यार। अंदर एकनाथ गया था, बाहर कोई और आ रहा है। ये जो भी बाहर आया है बहुत अच्छा दिख रहा है, खुश। देखो मुझे ये कपड़े बदल लेना, मेरा दम घुट रहा है इसमें। तुम्हारी जिद भी पूरी हो गई है? अभी मेरी जिद पूरी नहीं हुई है, अब आपको मेरे साथ डिनर पर चलना है। चले? नहीं। यस। मैं नफरत प्यार दौलत शोहरत।